दोस्तों, अगर आप गांव से रहते हैं या शहर से रहते हैं, जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर गांव से रहते हैं, बेशक आप शहर में रहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप चाहें तो अपने गांव में ही अमीर बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शहरों में रहता है वही पैसे कमाता है, गांव में भी आप उतना पैसे कमा सकते हैं जितना आप परदेशों में जाते हैं नौकरी करने, उसका कई गुना गांव में एक एक दिन में कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे 10 ऐसे कृषि से जुड़े बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मशहूर बिजनेस माना जाता है, और इस बिजनेस को सही तरीके से जो व्यक्ति करता है वह निश्चित ही अपने गांव में नौकरी करने वाले से ज्यादा कमाई करता है और हमेशा पूंजीपति बना रहता है। गांव के कंपटीशन में वह आत्मनिर्भर बना रहता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, और उसका मटेरियल लोग खुद लेकर के जाते हैं, लोगों की जरूरत बन जाता है और दोस्तों वो आत्मनिर्भर बन जाता है। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं इस प्रकार के बिजनेस को करना? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 10 ऐसे मशहूर बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि दोस्तों गांव में शुरू करके उससे कमाई किया जा सकता है। और ये मत संकोच कीजिएगा कि गांव में इस बिजनेस को शुरू नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें से कोई एक बिजनेस भी आप कर पाएंगे तो दोस्तों वो मशहूर बिजनेस माना जाता है और आप उससे निश्चित ही कमाई कर पाएंगे, और आप मेहनत करेंगे तो आप उतना भी कमाई कर सकते हैं जितना आप परदेशों में एक दिन का नौकरी करने के लिए, एक दिन का कितना आपका इनकम है उससे कई गुना ज्यादा की कमाई आप एक दिन में घर से कर सकते हैं, कृषि से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सही तरीका और सही नियम का पालन करते हुए कर सकते हैं, सही चीजों का इस्तेमाल करके ही कर सकते हैं, सकारात्मक विचार के जरिए ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं 10 वह बिजनेस जो कि एक तरीके से सफल बिजनेस माना जाता है और कृषि से जुड़ा हुआ बिजनेस है। लेकिन दोस्तों, ये मत समझिएगा, कृषि का बात आते आते बहुत से लोग ये बात समझ लेते हैं कि यार कृषि में रखा क्या है। लेकिन दोस्तों, कृषि से जुड़ा अनेकों प्रकार का बिजनेस है जिससे लोग काफी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी लोगों के मन में ये शंका रहता है कि यार कृषि में उतना कमाई नहीं होता। ये बात सत्य है कि कृषि का, खेती का काम कर रहे हैं तो आपको उतना कमाई नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, कृषि से जुड़े अनेकों बिजनेस हैं जिसमें आप कमाई कर सकते हैं। आप एक बार सुनिए इस वीडियो को और फिर आप खुद डिसाइड करिएगा और कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, अगर आपको गांव में रहते हैं, गांव से जुड़ा व्यापार है और इसमें दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है कॉन्टेक्ट नंबर, आप सीधा बात कर सकते हैं और मेरे से आइडिया ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और दोस्तों, जितना संभव हो सकेगा मैं आपके हेल्प करने के लिए मदद करूंगा। आइडिया जो भी होगा, सही कैसे किया जा सकता है, आपको बिजनेस को ग्रो कैसे सही तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन करके बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए मत देखिएगा। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 10 मशहूर बिजनेस के बारे में जो बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहला बिजनेस है दोस्तों, वो गांव से ही शुरू होता है और कृषि के अंतर्गत वह आता है। उस बिजनेस को मशरूम की खेती का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों, मशरूम की खेती करने के लिए आपको कोई बहुत जगह, ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही बहुत बड़े प्लाट की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहें, अगर आप इच्छुक हैं, आपके बारे में अगर उसको नॉलेज है, तो दोस्तों मशरूम की खेती करके आप लाखों रुपए महीने की कमाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट करने वाली चीज नहीं है मेरे दोस्तों। तो ये बात आप ध्यान से समझिएगा कि मशरूम का आप कीमत भी पता कर लीजिएगा तो आपको हजारों रुपए किलो के आसपास ही आपका मशरूम मिलेगा। तो दोस्तों, मशरूम की खेती में लागत भी आपको एक तरीके से शुरू में थोड़ा ज्यादा लगेगी, लेकिन दोस्तों जब आप उसका खेती प्रॉपर तरीके से करेंगे, जब आपके पास अच्छी नॉलेज हो जाएगी, तो हो सकता है आपको खेती में
कम पूंजी लगे, लेकिन दोस्तों उसमें जगह की कमी होती है, बहुत कम जगह में उसका खेती की कर सकते हैं। छतों पे भी उसका खेती, मशरूम की खेती की जा सकती है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मशरूम की भी खेती एक अच्छा खेती है जिसको कृषि फार्मिंग के अंतर्गत माना जाता है और इससे कमाई किया जा सकता है। यह भी दोस्तों आप इससे लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम दूसरे तरीके के ऊपर, यानी कि दूसरे बिजनेस और व्यवसाय के ऊपर हम बात करते हैं। जो अगला बिजनेस और व्यवसाय है, जैविक खाद का बिजनेस या व्यवसाय। दोस्तों जैविक खाद का मतलब होता क्या है, सीधा सीधा अगर शब्दों में कहा जाए तो वह खाद जिसमें एक तरीके से नेचुरल चीजों से बनाया हुआ खाद, जी हाँ मेरे दोस्तों, वह जैविक खाद के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका भी व्यापार अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपके उसके बारे में सबसे जो जरूरी चीज है वो नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है इसमें पूंजी कोई बहुत ज्यादा नहीं लगता हो, 1,00,000 रुपए में आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किस चीज को किस तरीके से किस समय पर कैसे क्या किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या उसमें केमिकल डाला जाता है, किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों जैविक खाद का व्यवसाय जो लोग किए हैं, अभी एक गांव में कॉम्पिटिशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो। अगर आप इस बिजनेस के इच्छुक हैं तो सही जानकारी ले करके दोस्तों सही सलाह जानकारी और एक तरीके से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेकर के आप पता कर सकते हैं कहां पे ट्रेनिंग इसकी की जाती है। तो दोस्तों 2-4 या 6 महीने का ट्रेनिंग भी करके आप खुद का बिजनेस, जैविक खाद का बिजनेस व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट करने वाली अगर बात है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अब हम तीसरे बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि दोस्तों समय कम बचा है। तो दोस्तों तीसरे बिजनेस की अगर हम बात करें तो तीसरे बिजनेस भी एक मशहूर बिजनेस कहा जाता है और वह भी बिजनेस एक तरीके से उसका डिमांड हमेशा बना रहता है और गांव में कृषि से ही जोड़कर उस बिजनेस को भी देखा जाता है जिसको पोल्ट्री फार्म का बिजनेस कहा जाता है। पोल्ट्री फार्म का नाम सुनते ही आप समझ चुके होंगे कि मैं किस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आप चाहें तो पोल्ट्री फार्म का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करेंगे तो दोस्तों ये मत समझिएगा कि शुरुआती समय में ही आपको फायदा होने लगेगा, धीरे धीरे आपको ग्राहक जानेंगे, दूर तक जानेंगे, हो सकता है आपको प्रचार भी करना पड़े। दोस्तों ये सब चीजें चलता रहता है, लेकिन दोस्तों गांव में अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने पास कुछ ऐसे चीज का बनाइए, कुछ ऐसे बेचिए जिसका ग्राहक काफी ज्यादा मार्केट में हो, या तैयार कीजिए जिसका आप खुद मालिक हो और आपके ऊपर लोग निर्भर हो। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। दोस्तों अब हम चौथे प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करते हैं जिसको दोस्तों कृषि फार्मिंग से भी वह भी जुड़ा हुआ है, जिसे फलों के रस के उत्पादन का बिजनेस कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, फलों का रस, अब आप समझ करके चलिएगा कि किन किन फलों का रस का अगर आप उत्पादन करके चाहें तो बेच सकते हैं, उससे आप महीने का कई हजार कमा सकते हैं। लेकिन आपके पास वो चीजें होनी चाहिए, आपको अच्छी टेक्निक आनी चाहिए। जैसे मान करके चलिए मौसमी की खेती आप करते हैं तो मौसमी जाहिर सी बात है कि हो सकता है आपकी मिट्टी पर ना हो। सेब की अगर बात करें तो सेब तो आपको पता ही है कि सभी जगहों पर नहीं होता, तो कुछ ऐसे चीजों का खेती कीजिए जो कि आपके नॉर्मल जगह पे हो जाए और उसका रस बेचकर आप कमाई कर सके, तो रस का भी उत्पादन करके एक अच्छा खासा कमाई किया जा सकता है। दोस्तों पांचवें प्रकार का जो बिजनेस है वह फूलों का बिजनेस। दोस्तों फूलों का बिजनेस क्या है, आपको सीधा सीधा भाषा में कहा जाए तो फूलों का बिजनेस जो माला में ज्यादा इस्तेमाल होता है या पूजा सामग्री में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उन फूलों का भी आप व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप अभी देखे होंगे गांव में रहते होंगे तो ऐसा बिजनेस आपको बहुत कम या गिने चुने और काफी दूर में एक व्यक्ति को ही मिलेगा। तो दोस्तों आप चाहें तो इसमें भी कंपटीशन कम है, आप चाहें तो इसका अवसर उठा करके आप एरिया में खेती करके इससे कमाई कर सकते हैं। फूलों की खेती भी एक अच्छा अवसर माना जाता है, ये भी मशहूर खेती के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों अब हम छठवें प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, मसाले का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, मसाले का बिजनेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यार मसाला तो पूरे प्रदेश में तो होता नहीं है, पूरे देश में अगर कहा जाए कि सभी चीज का उत्पादन हो जाए तो नहीं होता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मसाले का बिजनेस का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपके एरिया में अगर धनिया का खेती हो रहा है तो धनिया की खेती करके भी अच्छा कमाई कर सकते हैं, जीरा का भी खेती कर सकते हैं। जो आपके मिट्टी पर, जहां आप रहते हैं उस मिट्टी पर मसाला का कौन सा पदार्थ वहां हो सकता है, उसकी खेती करके आप उसको बेचकर कमाई कर सकते हैं, ये मैं बात बता रहा हूं। तो दोस्तों यह भी एक अच्छा खासा जरिया माना जाता है। दोस्तों अब हम अगले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो अगला बिजनेस है वो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है।
दोस्तों डेयरी फार्मिंग का भी बिजनेस एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। आप चाहे तो किसानों से, जो पशुपालक हैं, जो किसान पशु का पालन करते हैं, उनसे आप दूध खरीद करके दोस्तों आप एक जगह स्टॉक करके उसको बेच सकते हैं, उन जगहों पर ले जाकर के बेच सकते हैं जहां पे शहर टाइप के एरिया, जहां पे खेती गृहस्थी का लोग काम नहीं करते, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, ज्यादातर सिटी में आप ले जाकर के बेच सकते हैं दोस्तों। यह भी एक अच्छा व्यापार माना जाता है और ये भी, इस व्यापार में भी आप मोटी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने अनेकों प्रकार का वीडियो बनाया, आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इससे अगले बिजनेस के बारे में, जिसको आठवां बिजनेस कहा जा रहा है। और दोस्तों ये आठवां बिजनेस जो मैं बताने वाला हूँ, यह बिजनेस तो अगर गांव में कहा जाए या काफी दूर में एक व्यक्ति इस बिजनेस को किया होगा, वो भी नहीं किया होगा, लेकिन दोस्तों यह एक कमाई का अच्छा जरिया है, अच्छा अवसर है, जिसको हर्बल खेती या औषधि का बिजनेस भी कहा जाता है। दोस्तों आप मेडिसिनल खेती भी करके कमाई कर सकते हैं, जैसे कि तुलसी की खेती या एलोवेरा की खेती करके। आप पहले, आप ये चीजें आप ध्यान रखिए, खेती पहले मत कीजिएगा, पहले आप उन उसका जो जहां बिकने वाला है उससे बात कर लीजिएगा, फिर आप खेती कीजिएगा। लेकिन इसकी खेती भी, इन सब चीजों की खेती करके भी कमाई की जा सकती है दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं। अब हम नौवें प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मधुमक्खी पालन का भी एक अच्छा व्यापार है, जो कि अपने काफी ज्यादा मशहूर है, अपने आप में ही काफी ज्यादा मशहूर है। और मधुमक्खी पालन का भी व्यापार करके शहद निकालकर आप उससे बेचकर कमाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो अपने खेतों में जो दसवें प्रकार का बिजनेस है, मछली पालन का भी बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा खासा अगर आपका जगह है, आप वहाँ अकेले हैं रह सकते हैं, तो देख रेख कर सकते हैं समय समय पर उन चीजों को, देख रेख करके उसमें भी दोस्तों समय समय पर खाद्य डालना होता है। खाद्य का मतलब उसमें खाने का सामान, उन वो कैसे जिएंगे, वो क्या खाएंगे, वो चीजें उसमें डालना पड़ता है, उनको भी देख रेख करना पड़ता है। तो दोस्तों मछली पालन का भी एक अच्छा व्यापार है, जिसको गांव में लोग रहते हुए शुरू कर सकते हैं और उससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये आपने इतने प्रकार का वीडियो देखा, लेकिन आप कमेंट एक बात का जरूर कीजिएगा कि आप इसमें से कौन सा बिजनेस अगर गांव में करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपको कमेंट का उत्तर भी देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।